Osionfish. आप जानते हैं कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन है? उसका स्लोप क्या है एम जीओ ट्वाइस उसको ब्लू कलर में बनाने के लिए कौन से रिएजेंट का हाथ है होमोजीनियस या फिर हाइड्रोजीनियसलिसिस क्या है इनफेक्ट कैटलिस क्या है एवर्ड्स प्रोसेस और वर्ड प्रोसेस आपने पहले पढ़ लिया है फिर भी इस चैप्टर में रिफ्रेश करके नए तरीके से आया है वो तो उसका रिएक्शन क्या है ये सब जानने के लिए देखते रहिए पूरा का पूरा वीडियो एंड एवरीबडी वेलकम बैक टू द चैनल मैं हूं हर्षिल आप देख रहे हैं ग्रेव इंजीनियर्स लेट्स ग्रेव नाउ एड्सॉप्शन आइसोथर्म उसका डेफिनेशन क्या है वो अभी हम देखते हैं तो एड्सॉर्बेशन आइसोथर्म मीन्स द वेरिएशन द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय एड्सॉर्बेंट With pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve is known as adsorption isotherm. Okay, Ye adsorption isotherm ki definition here. The variation here in the amount of gas जो कि एड्सॉर्ब किया गया है बाय एड्सॉर्बेंट विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के अंदर उसे हम कहते हैं और जो एक्सप्रेस किया जाए बाय अ कर्व ये बात ध्यान रखनी है ग्राफ है ओके okay, वेरिएशन है उसे हम कहेंगे एड्सॉर्पन आइसोथम नेक्स्ट फ्रूनलिच एड्सॉप्शन आइसोथम ओके okay, ये एक अच्छे साइंटिस्ट ने एक एडज़ॉर्पन हम बताया था जो हमें करना है ओके okay, तो फ्रिज ने इन 1909 एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और वो जो रिलेशन है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ एक्स बाई एम इज इक्वल टू के डॉट पी रेस टू वन अपॉन एन जिसमें एन जो है वो ऑब्वियसली वन के ज़्यादा होगा ये होना ही चाहिए और ये होगा ही सो so, ये मेंशन करना ज़रूरी है ओके okay. जहाँ ये जो एक्स है दिस इज द मास व्हाट है Sorry. X is the mass of gas adsorbed adsorbed and M एम इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट ऑफ एड्सॉर्बेंट और इसमें पी क्या है पी ऑब्वियसली पी ऑब्वियसली है हमारा प्रेशर ओके पी इज द प्रेशर और के ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है सो so, जो रिलेशन है वो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कर्व वेयर मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इज प्लॉट अंडर प्रेशर प्रेशर के अगेंस्ट वो प्लॉट किया जाता है ये जो कर्व्स है वो इंडिकेट करते हैं कि एट द फिक्स्ड प्रेशर दर इज डिक्रीज इन फिजिकल एड्जॉर्ब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सो so, ये जो कर्व है वो ऑलवेज अप्रोच करेंगे सैचुरेशन एट हाई प्रेशर ओके सो ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं तो ये आपको पता चल गया है ये सब क्या है तो इसका डेरिवेशन डेरीवेशन आपको दिखा देता हूँ डन ओके तो हम लेंगे अब लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा लॉग एक्स बाय इज इक्वल टू लॉग सॉरी के प्लस वन अपॉन एन लॉग पी ये वन अपॉन एन नीचे आ गया ओके okay? सो so, जो वैलिडिटी है फ्रूनलिच आइसोथर्म की वो वेरीफाइड है बाय प्लॉटिंग लॉग एक्स m को वाई एक्सिस पर रखेंगे और लॉग पी को एक्स एक्सिस पर रखा जाएगा सो so, अगर स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है तो फ्रिउलिज आइसोथम वैलिड है अदरवाइज नहीं है ऑब्वियसली सो so, हमें स्ट्रेट लाइन को प्राप्त करना है स्लोप जो है वो देती है वैल्यू स्लोप जो है वो देती है वैल्यू वन बाय एन वन बाय एन इज अवर स्लोप सो so, जो इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस का वो वैल्यू देगा हमको लॉग के फ्रेंडलीज आइसोथर्म जो है वो एक्सप्लेन करता है बिहेवियर एड्सॉप्शन का इन द अप्रोक्सीमेट मैनर वो कंफर्म नहीं बता सकता वो आपको अप्रोक्सीमेट बताएगा ओके okay? अगर फैक्टर जो है वन बाय एन उसकी वैल्यूज है जीरो से वन के बीच तो उसकी प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेट रेंज क्या होगी जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर अप टू जीरो पॉइंट फाइव या फिर आगे ओके okay. सो so, ये हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो लिमिटेड रेंज कवर अप कर सकता है अगर वन बाय एन जो है वो हमारा ज़ीरो है तो ये कांस्टेंट और अगर ये वन है और अगर ये वन है तो एक्स बाय एम जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा के पी क्योंकि वन है तो ये तो निकल जाएगा ऑब्वियसली और एक्स बाय एम कॉन्स्टेंट हटाओगे तो प्रपोशनल हो जाएगा पी के ओके और फर्स्ट केस में जब जीरो था वन बाय एन तो एक्स बाय एम कॉन्स्टेंट था तो जो एड्जॉपन होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर के ऊपर क्योंकि सामने वाली वैल्यू ही जीरो हो जाएगी ओके okay, वो कॉन्स्टेंट हो गया तो जीरो ये कॉन्स्टेंट है तो इसको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी नहीं और अगर ये वन हुआ तो वो प्रपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के साथ और जो एड्जॉर्प्शन होगा वो चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अगर ये वन हुआ तो इसको इस पर डिपेंडेंट होना ही होगा नहीं तो ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा अगर ये जीरो हुआ तो ओके okay, और जो दोनों कंडीशन है वो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हमें मिले हैं उसके ऊपर बेस्ड है तो एक्सपेरिमेंटल आइसोथम हमेशा ये कहते हैं कि सेचुरेशन हाई प्रेशर पे ही मिलता है सो so, ये आइसोथम जो है वो फ्रिउंडलिच आइसोथम जो फ्रिउलिच थे साइंटिस्ट वो नहीं कर पाए सो so, वो हाई प्रेशर पे उनका ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला जो इक्वेशन है वो फेल हो गया और एज़ आई सेड एज ऑल से ये हाई प्रेशर पे सेचुरेशन मिल जाता है बट ये फ्रिउंडलिच जो था वो नहीं दे पाया तो उसके थोड़े थोड़े लिमिटेशंस भी है तो एड्जॉपन फ्रॉम द सल्यूशन फेज वो लिमिटेशन आपको आगे देखे जाएंगे या तो शायद इसमें ही कवर हो जाएंगे यस yes. तो जो सॉलिड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं सोल्यूट्स को सॉल्यूशन में से जब सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड पानी के अंदर शेक किया जाए विद चारकोल तो पार्ट ऑफ एसिड है वो एडजॉर्ब हो जाएगा बाय द चारकोल और जो कंसनट्रेशन है एसिड का वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा अगर लिटमस सॉल्यूशन शेक किया जाए विद चारकोल तो वो कलरलेस बन जाता है और हमारा जो एम जी ओ एच ट उसका ब्लू कलर आता है जब वो प्रेसिपिटेट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसोन मैग्नेसोन रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैगनसॉन रिएजेंट जो कलर है वो एडजॉर्प्शन की वजह से मैगनसॉन के एब्जॉर्प्शन की वजह से आया है ओके okay, सो so इसके ऊपर से कुछ ऑब्जर्वेशन है तो फर्स्टली है कि जो एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एडजॉर्पन का एक्सटेंट डिक्रीज होगा और अगर एक्सटेंट एबजॉर्प्शन का इंक्रीज किया इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया के ओके okay? ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा सरफेस एरिया भी बढ़ेगा अगर एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ तो और एड्सॉप्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर सल्यूट के जो कि सोल्यूशन के अंदर होता है और जो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉबेंट एंड एड्ब ओके द प्रिसाइज मैकेनिज्म जो है एड्जॉर्न का फ्रॉम द सोल्यूशन वो अभी तक फ्रेंडली ने नहीं बताया क्योंकि वो उसने तो अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब ही किया था बट बिहेवियर कम्प्लीटली उसने नहीं बताया था सो इंस्टेड ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन को कंसिड्रेशन में लिया गया तो अगर प्रेशर को हटाया जाए तो एक्स बाय इज इक्वल्स टू के कंसनट्रेशन वन बाय एन ऐसा इक्वेशन निकल के आता है जिसमें C जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो पहले से ही इक्विलिब्रियम पे है ओके अगर एड्जॉर्प्शन कम्प्लीट है तो जब एड्जॉर्प्शन कंप्लीट है तब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा अच्छे से तो जो पहले के साथ किया था इसके साथ भी करते हैं टेकिंग लॉग लॉग सी ओके अब हम एक्स बाई एम को लॉग सी लॉग एक्स बाई एम को लॉग सी के सामने प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जो फ्रिज की वैलिडिटी बताता है कि फ्रूडलिच भाई राइट बोला कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है और अब ये टेस्ट किया जाएगा एक्सपेरिमेंटली अलग अलग सॉल्यूशंस को लेके जैसे कि एसिटिक एसिड सो तो इक्वल वॉल्यूम जो है सॉल्यूशंस का वो ऐड करेंगे इन द चारकोल अलग अलग फ्लास्क के अंदर ये सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने पहले कर लिया था सो so, फाइनल हमें ये मिला सारे के सारे फ्लास्क में से आफ्टर एड्सॉप्शन जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन का उसको हम वैल्यू देंगे एक्स और इस ये जो इक्वेशन है इसको वैलिडिटी भी मिल जाती है मतलब फ्रिच सच बोल रहा है उसने जो मेहनत की वो व्यर्थ नहीं गई ओके okay, सो so, मैंने लास्टली यहाँ पे बताया वो आपको इसकी लिमिटेशंस पता चल गई और इसको ओवरकम करने का भी आपको सॉल्यूशन पता चल गया मूविंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉप तो इसमें अराउंड टेन एप्लीकेशंस है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से जो कि है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम रिमेनिंग ट्रेसिस हैं एयर के वो एड्जॉर्ब किए जाते हैं बाय चारकोल जब हम उस को, कोई वेसल के अंदर उसे रखे इवैक्यूएट करके बाय वैक्यूम पंप जिससे हमें बहुत ही हाई मात्रा में वैक्यूम मिलेगा गैस मास्क गैस मास्क जो है जो जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल और एड्जॉर्बेंट्स का मिक्सचर होता है वो यूज किए जाते हैं फॉर द ब्रीदिंग कोल माइंस के अंदर जिससे पॉइजनस गैसेस जो माइंस के अंदर होते हैं उससे हम बच सकते हैं ये यूजेज है सारे के सारे उसके सॉरी थर्ड इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी सिलिका और एल्यूमिनियम जेल्स जो है वो यूज किए जाते हैं एज द एड्जॉर्बेंट

इंक्रीज करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ज्यादा गैशियस रिएक्शन होते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के अंदर सॉलिड मैन्युफैक्चर एमोनिया का आयरन को कैटलिस से यूज करें हम तो एच टू एसओ फोर का कॉन्टेक्ट प्रोसेस से फाइनली डिवाइडेड निकल हाइड्रोजीनेशन ऑयल्स का वो अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजीनियस कैटलिस का कुछ समझ नहीं आया होगा आगे जब आएगा कैटलिसिस के अंदर तो आप अच्छे से समझ जाओगे सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस डिफरेंस क्योंकि डिफरेंस है डिग्री ऑफ़ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस के अंदर बाय चारकोल सो मिक्सचर एक नोबल गैस का सेपरेट किया जाता है बाय एडजॉर्पन ऑफ कोकोनट चारकोल अलग अलग टेम्परेचर में इन क्योरिंग डिजीज नंबर ऑफ ड्रग्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू किल जम्स बाई गेटिंग एड्जॉर्ब ऑन देम फ्लोटेशन प्रोसेस लो ग्रेड सल्फाइड और कंसनट्रेट किया जाता है बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका सिलिकाइन अदर बाय दिस मेथड यूजिंग पाइनल एंड एजेंट ओके और एड्सॉपशन इंडिकेटर्स सर्टेन सरफेसिस के ऊपर प्रेसिपिटेट होता है सच सचेज सिल्वर जिसमें प्रॉपर्टी होती है एडजॉर्बिंग डाइज जो एड्सॉर्ब कर सकता है डाइज को जैसे कि इोसिन फ्लोरोसिन एक्सेट्रा और वो प्रोड्यूस कर सकता है कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड एनालिसिस क्रोम किया जाता है ये थे एड्जॉप्शन के यूजेज नाव वी आर कमिंग टू अग टॉपिक जिसका नाम है कैटलिसके okay. तो आज हम आई गेस पूरा कैटलिसिस उड़ा देंगे कैटलिसिस इन इंडस्ट्री तक है और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडस्ट्री में कैटालिसिस कैसे होता है एंजाइम कैटालिसिस शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स फिर एडजॉर्बशन थियरी, हिट्रोजीनियस कैटालिसिस का और होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस कैटालिसिस इतने कैटालिसिस हैं जो हम आज कवर कर देंगे एंड नेक्स्ट टाइम हम लेंगे इमलशंस और कोलाइड्स uh, कोलाइड्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम और इमलशंस तो लास्ट नेक्स्ट टाइम लास्ट वीडियो होगा हमारा इस चैप्टर का और नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कौन सा लेते हैं ओके सो कैटालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम क्लोरेट जब वो हीट किया जाएगा स्ट्रांगली वो डिकम्पोज हो जाता है स्लोली गिविंग डाईऑक्सीजन सो डिकम्पोजिशन होता है वो 653 से 873 केल्विन के बीच में होता है तो रिएक्शंस टू के सी एल ओ थ्री गिवस टू टाइम्स के सी एल प्लस थ्री टाइम्स ओ टू ओके जब थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो डिकम्पोजिशन थोड़े लोअर टेम्परेचर रेंज में हो जाएगा जो है 473 से 633 और वो ज्यादा एक्सेलरेटेड रेट है वो जल्दी करता है एज कंपेयर्ड टू पहले वाले से तो जो मैंगनीज डाइऑक्साइड रिमेन करता है अनचेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मास एंड कंपोजिशन सिमिलरली जो रेट्स होते हैं नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो ऑल्टर किए जाते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस सिस्टमेटिक स्टडी अफेक्ट कर इफेक्ट करता है वेरियस फॉरेन को रेट्स के उपर, के ऊपर केमिकल रिएक्शंस वो फर्स्टली बनाया गया था बाय बर्जुलिस इन 1835 उसने कहा था टर्म कैटलिस्ट सो टर्म कैटलिस्ट बनाया बर्जुलिस ने और उसने कहा कि कैटलिस्ट डालो तो काम आसान होता है और वो रेट एक्सलरेटेड होता है सब्सटेंस जिनमें जो एक्सलरेट होते हैं इन द केमिकल रिएक्शन वो खुद ब खुद केमिकली और क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड रहते हैं आफ्टर द रिएक्शन जिसे हम कहते हैं कैटालिस्ट और उस फेनोमिन को हम कहते हैं कैटालिसिस ऑब्वियसली ओके तो नेक्स्ट है हमारा प्रमोटर्स एंड पॉइजनस प्रमोटर्स वो होते हैं सब्सटेंसेस जो एनहेंस करता है एक्टिविटी को कैटालिस्ट की जबकि पॉइजन होते हैं जो एक्टिविटी सॉरी uh, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है फॉर एग्जाम्पल हेबर्ट्स प्रोसेस में अमोनिया के अंदर मोलिब्डेनम वो प्रमोटर की तरह यूज़ होता है और आयरन जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है आयरन के लिए मोलिब्डेनम जो होता है वो यूजफुल होता है एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं सबसे पहले उसका रिएक्शन देख लेते हैं प्रमोटर्स एंड पॉइजन इसका रिएक्शन है एन टू प्लस थ्री एच टू गि एन एच थ्री एफ ई और यहाँ पे एम ओ मोलिपडनम ओके सो होमोजीनियस एंड हीड्रोजीनस कैटालसिस ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्टली जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट सेम फेज के अंदर हो लिक्विड हो या फिर गैस तो उसे उस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस ओके सो तीनों के तीन के फेज या तो सारे के सारे और क्या कहते हैं गैस हो या तो सारे के सारे लिक्विड हो प्रोडक्ट रिएक्टन और कैटलिस्ट उसे हम कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस और उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं होमोजीनियस के examples first of all oxidation sulfur dioxide ka into sulfur trioxide with dioxygen in the presence of oxide of nitrogen as catalyst in lead chambers process two times so2 plus o2 in the presence of oxide of nitrogen gives us two times so3 sulfur dioxide is a sulfur trioxide रिएक्ट सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कैटल जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये टू टाइम्स एस ओ थ्री सल्फर ड्राइक्साइड वे तीनों की तीनों सेम फेज में है ओके सो नेक्स्ट सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री प्लस एच टू ओ गि प्लस सी एच थ्री ओ एच का हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय H प्लस आयन जिससे मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सब सेम फेज के अंदर है एंड आवर थर्ड लास्ट एग्जांपल सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन प्लस एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर गिवस एस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स C6H12O6 ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ओके okay, और सब सेम फेज के अंदर है ये सारे गैस के अंदर है इनका फेज गैस है ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है तो अब हम बात करते हैं अबाउट दिटरोजिनस कैटालिसिस, कैटालिसिस, हम्म, कैटालिटिक प्रोसेस जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में हो उसे हम कहते हैं हीट्रोजीनस कैटालिसिस रिएक्टेंट और कैटालिस्ट ये दोनों सेम फेज बट द प्रोडक्ट इज इन डिफरेंट फेज ओके तो ओके सॉरी 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 रिएक्टेंट कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में नहीं होने चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम हो सकते हैं बट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम नहीं हो सकते ओके okay. तो so, इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे

4NH3 plus 5O2 gives us 4NO plus 6H2O in the presence of Pt platinum. But a solid or is are gas? In the last example, vegetable oils plus H2 gives us vegetable, ghee in the presence of nickel, nickel solid, ye liquid, ye gas aur ye solid sare alag okay एक reactant liquid में है, दूसरा gas में है और catalyst तो तीसरा ही है solid okay so next है adsorption theory ऑफ हीट्रोजिनियस कैटालिस्ट ये थियोरी ऑफ हीट्रोजीनियटाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये थियोरी हमें एक्सप्लेन करती है मेकेट्रोजिनियस कैटालिसिस ओल्ड थियोरी जिसे हम कहते हैं एड्सॉप्शन थियोरी ऑफ कैटालिस वो रिएक्टेंस गैशियस स्टेट के अंदर या फिर सोल्यूशन के अंदर एडजॉर्ब किए जाते हैं ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट्स के ऑन द सरफेस वो रेट को इंक्रीज कर देता है रिएक्शन के एडज़ॉर्प्शन भले ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो हीट जो होती है एडजॉर्प्शन की वो यूटिलाइज की जाती है रेट को इन्हेंस करने के लिए

केमिकल रिएक्शन का कैटलिस्ट के सरफेस के अंदर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट को हम फॉर्म करें फोर्थ है डिस ऑप्शन रिएक्शन का ऑन द कैटलिस्ट सरफेस वो सरफेस को अवेलेबल करता है अगेन जिससे ज्यादा और रिएक्शन कर सके और फिफ्थ एंड द लास्ट डिफ्यूजन रिएक्शन का प्रोडक्ट्स को दूर करता है फ्रॉम द केटल सरफेस और जो सरफेस होता है कैटलिस्ट का वो अनलाइक इनर पार्ट बल्क के इनर पार्ट से अलग होता है जिसमें फ्री वैलेंसीज val होती है जो प्रोवाइड करती है सीट केमिकल फोर्सेस को अट्रैक्शन के लिए अगर कोई गैस कांटेक्ट में आ जाए सच्चे सरफेस से सो so उसके मॉलिक्यूल्स केमिकल कॉम्बिनेशन को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करें साइड बाय साइड सो रिज़ल्टिंग कौन सा नया वाला मॉलिक्यूल है उसके साथ वो चला जाएगा सोफॉर्म so, मॉलिक्यूल्स या तो एवोबरेट कर जाएंगे सरफेस के अंदर फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को छोड़ के ये थियरी हमें बताती है कि कैटलिस्ट अनचेंज्ड क्यू रहते हैं मास या फिर केमिकल कंपोजिशन के अंदर एट द एंड ये इफेक्टिव स्मॉल क्वांटिटीज में है बट है पर वो कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता एक्शन कैटालिटिक प्रमोटर्स या फिर कैटालिटिक Poisons को. Okay, तो एक आपको में फिगर दिया है वो आप देख सकते हो इसके नीचे ही है ये के एंड में. ये टोटली के तो इसमें रीडिंग या फिर समझने के सिवा कुछ नहीं आएगा आपको इसमें क्वेश्चन आंसर या फिर ऐसे कुछ ही आएंगे तो so, सबसे पहले हम आते हैं अब, activity और नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी तो एक्टिविटी को कवर करते हैं कि एक्टिविटी जो है कैटलिस्ट की वो डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमी एजॉप्शन लार्ज एक्सटेंट के लिए रिएक्टेंट्स है वो एड्सॉर्ब हो सकते हैं रीजनेबली स्ट्रॉन्गली केटलिस्ट के अंदर जिससे वो एक्टिव हो जाए हावेवर वो लोग नहीं होते स्ट्रॉन्गली जिससे वो इमोबिलाइज या फिर दूसरे रिएक्टेंट्स के लिए जगह ना छोड़े कैटलिस्ट सरफेस के अंदर एडजॉर्पन के दरम्यान ऐसा देखने को मिला है फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो ग्रुप फाइव से ग्रुप इलेवन मेटल्स के मैक्सिमम एक्टिविटी शोन की जाती है सेवन टू नाइन एलिमेंट्स के अंदर रिएक्शन है टू एच टू प्लस ओ टू गू एच टू ओ पी टी ओके नेक्स्ट है लेक्टिविटी सिलेक्टिविटी जो है कैटलिस्ट की वो एबिलिटी है जिससे कोई भी रिएक्शन को शुरू किया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर सिलेक्टिवली जब कोई रिएक् सेम रिएक्शन कंडीशंस में ज़्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं सेम रिएक्शन को अलग अलग कैटलिस्ट से हम करवाए तो उसके हमको ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं सो so, सेलेक्टिविटी में रिएक्टेंट सेम रहते हैं बट कैटल डिफरेंट हो जाते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट्स भी अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं तो उसके तीन एग्जांपल्स हैं हम तीनों देख लेते हैं सो फर्स्ट वन इज सेकेंड एंड थर्ड सी ओ प्लस थ्री एच टू सी ओ प्लस टू एच टू एंड सी ओ प्लस एच टू ओके ओके तो इसमें फर्स्ट कैटलिस्ट है निकल नेक्स्ट इज सी यू जेड एन ओ सी आ, सी आर टू थ्री और थर्ड है सी यू इस वाला एरो को निकाल के बड़ा वाला एरो रख देते हैं ओके डन 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 इसमें मिलेगा हमें सी एच फोर प्लस एच टू ओ इसमें मिलेगा सी एच थ्री ओ oh, एच और इसमें मिलेगा एच सी एच ओ इससे हमें पता चलता है कि कैटलिस्ट का प्रभाव वो हाईली सिलेक्टिव होता है नेचर के अंदर वो चेंज करता कर सकता है पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को कैटलिस्ट कोई भी प्रोडक्ट के अंदर शायद फेल हो सकता है क्योंकि वो आ, दूसरे कोई रिएक्शन में माहिर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कैटलिस्ट यही करे वो उसके सेवा दूसरा रिएक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है ओके okay, तो नेक्स्ट 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 इज शेप सिलेक्टिव ओके सो कैटालिटिक रिएक्शन जो डिपेंड करता है अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट और साइज ऑफ द रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट्स को उसे हम कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस जियोलाइट्स का बहुत अच्छा शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस होता है क्योंकि वो हनी की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोप्रोड्स होते हैं एल्यूमिनियो सिलिकेट्स होते हैं जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिकेट्स का जिसके अंदर कुछ सिलिकॉन एटम्स वो रिप्लेस किए जाते हैं बाय एल्युमिनियम जिससे ए एल ए एल डैश ओ डैश एस आई का फ्रेमवर्क होता है और जियोलाइट है वो वाइडली यूज किए जाते हैं एज द कैटलिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन और आइसोमराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट है वो यूज किया जाता है इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एज ZSM5, वो कन्वर्ट करता है एल्कोहल्स को डायरेक्टली इनटू गैसोलीन पेट्रोल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है बाय हाइड्रेटिंग देम टू द ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंजाइम कैटालिसिस एंजाइम कैटालिसिस जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक नहीं है उसके बाद एक है हैटलिस इन इंडस्ट्री वो हमारा लास्ट टॉपिक है तो ये वाला टॉपिक देख लेते हैं इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं ओके सो एंजाइम्स है वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कम्पाउंडस होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाई लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स वो एक्चुअली प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं हायर मोलिकुलर मास के और वो कोलाइडल सॉल्यूशंस को फॉर्म कर सकते हैं पानी के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं कैटलाइज करते हैं ज़्यादा रिएक्शंस को एस्पेशली जो नेचुरल नेचुरली रिएक्शंस होती हैं जो नेचुरल से कनेक्टेड होती है उसे बहुत सारी रिएक्शंस अकर होती है बॉडीज एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के जिससे लाइफ प्रोसेस को हम मेंटेन कर सकते हैं जो एंजाइम से कैटलाइज है वो एंजाइम को हम दूसरा नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं बायोकेमिकल केमिकल कैटालिस्ट या फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोकेमिकल केमिकल सो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिसके हम बहुत सारे रिएक्शंस देख लेते हैं तो फर्स्ट है

वो कन्वर्ट करेगा एच टू ओ के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज जिससे हमें मिलेगा सी सिक्स ओ ट्वेल्व ओ सॉरी 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 सी सिक्स एच ट्वेल्व एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस Plus C6H12O6 glucose and fructose, glucose and fructose. Okay, next is conversion of glucose into ethyl alcohol, conversion of glucose in ethyl alcohol. ओके जाइमेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को इनटू द इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे तो उसका रिएक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स विथ एन टाइम्स एच टू ओ विल रिएक्ट

प्लस टू टाइम्स सी ओ टू ये है हमारा इथाइल एल्कोहोल ओके okay. तो नेक्स्ट थर्ड है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इन माल्टोज

Diastase will give us N times C twelve H twenty two O eleven, which is maltose. Fourth is conversion of maltose in glucose. ओके okay. ये खाने की बात चल रही है हम कुछ खाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया माल्टोज़ बनता है और माल्टोज से इवेंचुअली ग्लूकोज बनता है ओके okay. तो माल्टोज हमें मिला सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन वो रिएक्ट करेगा विद एच टू ओ पानी के साथ और एंजाइम है हमारा माल्टेज माल्टेज टू गिव अस टू टाइम्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स विच इज़ अवर ग्लूकोज ओके नाउ फिफ्थ नंबर ओके तो, okay? okay? तो पेप्सिन हमारे स्टमक के अंदर हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन है ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिफ्थ करवाना है पहले तो फिफ्थ कर लेते हैं पहले जो कि है हमारा फिफ्थ भी सिक्स जैसा लग रहा है ओके फिफ्थ डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो एंजाइम यूरिया है वो कैटलिस्ट किया जाता है इस डीकम्पोजिशन के अंदर डी ऑफ यूरिया इन अमोनिया एंड सी ओ टू इन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है एनएच टू सी ओ एन एच टू प्लस एच टू ओ रिएक्ट करेगा विथ यूरीज ये एक कंपाउंड है क्या एंजाइम

मिल्क इन एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिनमें होता है curd के अंदर, ओके okay? और ये जो टेबल है इस टेबल के अंदर आपको सारे के सारे एंजाइम का सोर्स एंजाइम का नाम और उसका रिएक्शन वो क्या से क्या कर सकता है ये सातों चीजें जो मैंने आपको यहां दिखाई वो सातों आपको इस टेबल के अंदर

सेकेंड है हाईली स्पेसिफिक नेचर ईच एंजाइम एक एक का एक एंजाइम वो स्पेसिफिक है गिवन रिएक्शन के अंदर जैसे कि एक कैटलिस्ट दूसरे को कैटलि कैटलाइज नहीं कर सकता ओके okay? ये उसको ये उसको ऐसा नहीं हो सकता जो जिसके लिए डेडिकेटेड है वही वो, वो कर सकता है तीसरा हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइम वो मैक्सिमम हो जाता है कुछ टेम्परेचर के अंदर जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फोर्थ है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पी जो रेट होता है एनजाइम केटलाइज रिएक्शन का वो ऑप्टिमम पी जो कि बिटवीन होता है पाँच से सात फिफ्थ इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एनजाइम्स एक्टिविटी वो इंक्रीज की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज जिसे हम कहते हैं को एनजाइम्स ओके वो ऑब्जर्व किए जाते हैं जब स्मॉल नॉन प्रोटीन या जिसे हम कहते हैं विटामिन प्रेजेंट होता है एंजाइम के अंदर जो कैटालिटिक एक्टिविटी को कंसिडरेबली एनहेंस करता रहता है एक्टिवेटर्स कौन होते हैं एक्टिवेटर्स होते हैं एन एम एन सी ओ सी यू एक्सेट्रा एंड सिक्स इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन ऑर्डिनरी कैटलिस्ट के जैसे एंजाइम को भी इनहिबिट या फिर पॉइजन किया जाता है जब कुछ सब्सटेंस हमारे खाने में आ सकते हैं सो so, इनिबिटर्स या फिर पॉइजनस को इंट्रैक्ट करने के लिए एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स एंजाइम के सरफेस के ऊपर वो रिड्यूस या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैटेलेटिक एक्टिविटी को जो आ गए तो और हम उसका एग्जाम्पल है कि ज़्यादा ड्रग्स हम यूज़ करते हैं रिलेटेड टू एक्शन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी जो हमारे बॉडी के लिए ख़राब है और अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे बॉडी के एंजाइम्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ओके okay, और उसका बेसिकली मेकेज़म है जो आपको बुक के अंदर मिल जाएगा कौन से स्टेप से कौन से कैसे क्या अटैक करता है लॉक एंड की वाला कि लॉक के अंदर स्पेसिफिक की आप डालोगे तो ही वो यूज़ करेगा एंजाइम को रिएक्टेंट कैटलिस्ट को रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट के साथ आप जॉइंट करोगे तभी वो बन सकता है उसका बेसिकली लॉक एंड की वाला सीन है वो स्पेसिफिक जो मैंने बताया कि इसका काम यही कर सकता है ये so, yes, चावी को स्पेसिफिक ताले में ही लगा सकते हैं। एक चावी सारे ताले में नहीं लग सकती ओके? वो उसका लॉक एंड की है। नेक्स्ट इज़ कैटालिस्ट इन द इंडस्ट्री ओके तो इसमें बेसिकली आपको ये जो तो टेबल है वो आपको देखना है कि हेबर्स प्रोसेस से कैसे बनता है ऑसवाल प्रोसेस कैसे बनती है और सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे बना सकते हैं और ये रहा टेबल सॉरी मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है ये रहा टेबल प्रोसेस इन द कैटलिस्ट एस बेस्ट ऑस टेम्परेचर फाइव सेवेंटी थ्री कोल हमारा नेक्स्ट टाइम का टॉपिक है तो आज हमने पूरा कैटालिस और आइसोथर्म जो कि फ्रिच का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्री मार्क में आने वाला क्वेश्चन और ये भी कैटालिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू थ्री टू थ्री मार्क एट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटालिसिस आ जाएगा उठ के तीन मार्क में कि दोनों समझा दो चलो विद एग्जाम्पल्स तीन तीन एग्जाम्पल्स है उसका बेसिक डिफिनेशन है उसको समझाना है बहुत ईजी आंसर है ओवरऑल चैप्टर बहुत इजी है आपको याद रह सकता है तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स वो आपको पता ही है ओके तो आज तो हमने इतना कर लिया तो अगर आप अभी तक बैठे हो तो आपको यार वीडियो पसंद आया है पर आप आलस कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो बेल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करो ताकि आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और इस वीडियो को शेयर कीजिए ये वीडियो बहुत अच्छे बनते हैं और इसमें हार्डवर्क भी बहुत लगता है तो प्लीज सपोर्ट गाइज तो इस वीडियो के लिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय